नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अत्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने महीन कपड़ा लिया है और यहाँ पर हमने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अत्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 12 इंच है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है हुक और आई की पट्टी के लिए। फिर हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे और शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्महोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्महोल की लंबाई भी हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमें आर्महोल की गुलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमर नापेंगे। तो कमर हमारी 26 इंच है। तो 26 के चौथाई भाग हुए 6.5 इंच और 1 इंच हम प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से अत्तर को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको देखिए इस तरह से रख लेना है और फिर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्महोल की गुलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्महोल की गुलाई 1.5 इंच रखनी है और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच पर आर्महोल की गुलाई रखी है। फिर हम इस पल्ले को हटा देंगे और गले की लंबाई नापेंगे। साइड से हमें पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम 8.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें बॉक्स बनाकर गले की गुलाई कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट की चौड़ाई 5.5 इंच रखी है और लंबाई 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और कट लगा देंगे। तो हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो अत्तर को हमें देखिए कुछ इस तरह से बिछा लेना है फोल्ड करके और यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 4.5 इंच है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और बाजू की मोरी हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे
और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे और यहाँ पर हम बाजू की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू की कटिंग कर ली है। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जो आधा इंच का मार्जिन है वहां से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई भी 4 इंच रखेंगे। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और 2 इंच का गैप लेंगे। तो इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें 3.5 इंच रखनी है और 2 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और छाप लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा दिए हैं। यहाँ पर हमें दोबारा से निशान लगा लेने हैं, इससे जो हमारे निशान है वो अच्छे से दिखेंगे। तो हमने निशान भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैन कपड़े को लेंगे और देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। जो हमारा कपड़ा है तो इसको हम ज़्यादा ही कटिंग करेंगे क्योंकि सिलने के बाद हमें अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर कपड़े को अपनी साइड में कर लेंगे। जो कपड़े की बंद साइड है वो अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम पीछे वाले पल्ले को रखेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें कपड़े को ज़्यादा ही कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें अत्तर वाली बाजू रख लेनी है और रखने के बाद हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो अत्तर जो हमारा मैन कपड़ा है तो देखिए इसको हमें इस तरह से रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे चारों साइड से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को लगा लिया है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पलेटे सिल लेते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में पलेटें सिली हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले पल्ले को लेंगे और इसमें आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रख के यहाँ पर हमें पट्टी को रख के सिलाई लगानी है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से होल्ड करेंगे और होल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इतना ही हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, और अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इस वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पट्टी को इस तरह से रख के हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो हमने हुक वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पल्ले को लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, तो 26 को आधा करेंगे तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाला पल्ला तैयार करेंगे। तो अत्तर और जो हमारा मैन कपड़ा है तो उसको देखिए इस तरह से रखेंगे बिल्कुल एक बराबर, और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, पलेटे सिल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने प्लेट को सिल लिया है। तो इसको भी हमें नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा बचेगा तो इतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पल्ले को तैयार कर लिया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है तो इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है।
हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा दी है, यहाँ पर भी हमें बराबर से कटिंग कर लेना है। और इसमें हम क्या करेंगे, डबल सिलाई भी लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देंगे और गले में पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है, तो इसको देखिए इस तरह से पहले सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से बराबर करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हमें और भी पट्टी रख लेनी है। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे गले में पट्टी को सिलेंगे। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमें गुलाई में कट लगा देना है। जहाँ पर हमारी गले में गुलाई है तो वहीं पर हम इस तरह से कट लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले में पाइपिंग बनाएंगे। तो पट्टी को देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे अच्छे से बिल्कुल एक बराबर, और फोल्ड करके हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमें पूरे गले में पाइपिंग को सिल लेना है, ठीक है। पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती जाएगी। तो हमने पाइपिंग को सिल लिया, देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़ा रखा है और इसके ऊपर हमें अत्तर वाली बाजू रख लेनी है, देखिए इस तरह से। और फिर दोनों को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे से, और फिर इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस को लेंगे और लेस को देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेस को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिल ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे, ठीक है। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की जो हमारी मोरी है वो 5 इंच है, तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इसमें देखिए मैंने डोरी भी लगा ली है। तो इस तरह से हमने साइज 32 इंच अत्तर वाला ब्लाउज आप लोगों को सिलकर दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।